इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। हुआ है सिक्योरिटी पैराडाइम में, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। अब मैं सरीना होटल में बहुत जगह ठहरा हूँ, वहाँ पर प्रॉपर गेट है, वहाँ पर पहले गाड़ी चेक होती है, उसके बाद अंदर आती है, सेकंड बैरियर है, वहाँ फिर चेक होता है। दैट मीन्स के सिक्योरिटी में से कोई ना कोई इसमें ज़रूर इन्वॉल्व है, अदरवाइज ये गाड़ी एक्सप्लोसिव से भरी हुई, वहाँ जो उनके डिटेक्टर होते हैं वो शोर मचा देना चाहिए था, रेड अलार्म हो जाना चाहिए था और वहीं पता चल जाता। फिर वो जाके पार्किंग में पार्क हुई है, फिर बस कोई खुद कुछ बंबार ने अपने आप को उड़ा दिया। तो ये वहाँ पर भी चेक करने की ज़रूरत है कि उसने क्या कैसे अंदर आया, उस वक्त ड्यूटी पे कौन थे, कि मेन गेट के ऊपर और बैरियर के ऊपर उन्होंने कैसे गाड़ी को अंदर आने दिया, क्यों चेक नहीं किया गया। और फिर ये तमाम इतने रास्ते से गाड़ी, वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है, साथ ही कंटोनमेंट है, उधर से ही होकर ये गाड़ी आती है। आप ये देखें कि कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि सब जगह से गाड़ी गुजरी एक्सप्लोसिव से भरी हुई और वो किस कोई पकड़ नहीं उसको सका। तो ये हमें इनवर्ड भी देखना है कि हमने अपना वो कैसे टिकना। और एक और बताऊँ, देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत ज़्यादा नेट्स बर्स्ट करती है, अभी भी किए हैं बिफोर दे कैन डू समथिंग, लेकिन कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट को, आवाम को, सिक्योरिटी फोर्सेज को वर्कआउट अ स्ट्रेटजी कि हमने कैसे इसको सेफ सिटी बनाना है, कैसे इसको डिनाई करना है, बॉर्डर को कैसे हमने सील करना है, हमारे अंदर जो लोग हैं वो कौन है जिनको सहूलतकारी करते हैं, आपके अफगान मुजाहिद, अफगान जो आपके लोग हैं मतलब महाजरीन, वो बहुत तादाद में है, दे आर द ब्रीडिंग प्लेस जहाँ वो जाकर रिफ्यूज भी ले लेते हैं। ये गवर्नमेंट को सारी चीज़ें अफगान गवर्नमेंट से और अमेरिकन से बात करने की जरूरत है कि हमारी सर्वाइवल की बात है। राइट, अग्रीड। इफ्तिखार शिराज़ी साहब की तरफ बढ़ते हैं। इफ्तिखार साहब, एक तरफ अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला होने वाला है अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट ऑफ जो बाइडन, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामलात और वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। कल रात को क्वेटा का वाकया, इससे पहले कलदम तहरीके लबैक पाकिस्तान की तरफ से जो एहतजाज किए जा रहे थे उनमें जो सपोर्ट थी वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। एंड हु डज नॉट नो कि अफगानिस्तान में बैठ के तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार और मुख्तलिफ फैक्शन को जोड़ने की कोशिश भारत की तरफ से की गई। ऐसी सूरत हाल में क्या जब फौजी इनखला होगा अफगानिस्तान में तो एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की सरगर्मियां बढ़ेंगी? अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस उजलत में और एक प्रॉपर अरेंजमेंट्स के बगैर वहां से अमेरिका निकल रहा है और एक बड़ी कंफ्यूजन की सूरत हाल मौजूद है, और खुद काबुल की जो हुकूमत है वो भी सारे प्लान के साथ कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो हम इस बात की उम्मीद रख सकते हैं, इस बात का खदशा रख सकते हैं कि जब वहां से अमरीकी फौजों का, इत्तेहादियों का इनखला होगा तो वहां पर जो वैक्यूम बनेगा उसको फिल करने के लिए बहरहाल अफगान फोर्सेस तो तैयार नहीं है। उनके अगरचे ट्रेनिंग की गई है, उनको इक्विप किया गया है, लेकिन इस काबिल नहीं है कि वो अफगानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मामलों को देख पाए। तो हमें लगता है कि वहां पे सूरत हाल कुछ तरह की बनेगी कि जहां पे फिर जो मुआहदे होंगे उनके खिलाफ वर्जियां भी होंगी और तालिबान ज्यादा स्पेस लेने के चक्कर में वहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो रिसेंट एपिसोड हुआ है इसको ये कोई ज्यादा हमें कोई लगता नहीं है कि काबिल फहम बात हो कि क्या ऐसा हुआ, सिवाय ये कि तहरीक लबैक को कालेदम करार दिया गया, उनके खिलाफ एक कार्रवाई हुई, और जैसे आपने भी अपने इब्तदाई में कहा कि बहरहाल कालेदम तहरीक तालिबान की तरफ से उस पार्टी को सपोर्ट किया गया और हुकूमती इकदाम को कंडेम किया गया। तो मेरा ख्याल में क्योंकि बलूचिस्तान एक सॉफ्ट टारगेट तसव्वुर होता है और फिर बलूचिस्तान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डरिंग एक प्रोविंस है और वहाँ की जो बॉर्डर है वो भी बड़ी एक पोरस बॉर्डर है, गोया कि हम उसको बेहतर अंदाज में सिक्योर नहीं कर पाए अभी तक। अगरचे इस तरफ हमने जो कबाली इलाके हैं वहाँ तो फेंसिंग कर दी है, बट अफगानिस्तान के साथ जो बलूचिस्तान के लिए लगता है वहाँ पे अभी तक हम इस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं कर पाए। तो वहाँ पे सरहद के आर पार दहशतगर्दों की आमद रफ्त
और साथ में मैं कहूंगा कि बलूचिस्तान के अंदर बाहर अलकरदन तंजीमों का नेटवर्क अभी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है, तो इस बात का इम्कान तो था। और खुद आपने देखा भी कि वज़ीर दाखला साहब ने इस वाक़े के बाद अपनी ट्वीट में और स्टेटमेंट में भी कहा कि हमें ये इतलात थी कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसी तरह कराची और बड़े शहरों में कोई वाक़या हो सकता है, उसके अंदर क्वेटा भी शामिल था। तो अब ज़रूर इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जंग में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं और बहुत सारी जो मुल्क के अंदर नेटवर्क्स हैं हम उनको डिसमेंटल किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अनिका पॉकेट्स मौजूद हैं जिनके खिलाफ हमें मजबूत तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और हमें ये इत्मीनान नहीं कर लेना चाहिए कि ये मामला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। जिस तरह आपने भी कहा कि अफगानिस्तान के अंदर फौजों का इनखला होने जा रहे हैं तहदियों का, और पाकिस्तान के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉकेट्स मौजूद हैं, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट हो के एक और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करनी चाहिए। राइट, इफ्तिखार शाह साहब, पीजे मीर साहब की तरफ बढ़ते हैं। पीजे साहब, यहाँ ये बात तो वाजे हो गई कि जब अफगानिस्तान से इनखला होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जो है वो रुख करने की कोशिश करेंगे दहशतगर्द बैक्ड बाई इंडिया, बट इसके लिए काउंटर स्ट्रेटजी हमारी ऑफकोर्स तैयार हो रही है। हमें क्या सबसे पहले प्रॉक्सीज पे काम करना होगा या हमें यहाँ सबसे पहले उन लोगों पे काम करना होगा जो जाने अनजाने में और मोस्टली जाने में सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, पैसे की वजह से बिक जाते हैं? हमें किस पहलू पे सबसे पहले ध्यान देना होगा? देखें, सबसे पहले तो हमें इंटरनेशनल जो एक पोस्चर है उसको गेज करना है। ये अभी आपने जिक्र किया क्वेटा की इंसर्जेंसी का, अब इस पे हम नेचुरली इंडिया को ब्लेम करेंगे, लेकिन हमें क्या पता है कि पीछे अमेरिकन इसके लगे हुए हैं कि यू क्रिएट दीज इंसर्जेंसीज, बिकॉज ऑन द वन हैंड आप कहते हैं कि आप अमेरिका से इधर से अफगानिस्तान से आपने पुल आउट करना है, फिर दूसरी साइड पे कई इसके जो खुद जो लोग रिजर्व है वो कहते हैं कि नहीं पुल आउट करना है। CIA probably doesn't want America to pull out because usko pata hai ki wo pull out karegi till the time democracy and complete democracy, not puppet democracy, is not restored in Afghanistan. So basically wo insurgency create karwa sakti hai, hame ye nahi pata, but at the end of the day Afghanistan hamesha ek destabilized mulk raha hai and a pawn raha hai because of the Russians at the behind, or more to the point the Soviet Union. अब सोवियत यूनियन नहीं है, रशिया एक अमर्जिंग फोर्स आ रही है, अमेरिका को उसकी तकलीफ हो रही है, उसने इसके बैंक्स पे भी आप कह लो कि सैंक्शंस लगाए हुए हैं, दे कांट ऑपरेट प्रॉपरली। सो बेसिकली राइट नाउ ऑन अ बिगर लेवल आप देख रहे हो कि अमेरिकन्स कहीं ना कहीं से पुश करते रहेंगे। अब बीच में जो फंसता है वो हम फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ अफगान इंसर्जेंसी एंड इंडियन इंसर्जेंसी जो कि वो यहाँ हमारे खत्ते में क्रिएट कराते हैं। आपने पहले देखा कुलभूषण यादव को आपने देख लिया, आपने देखा कि वहां हम बड़े स्लीपर सेल्स हैं। ये क्यों है? बिकॉज उन्होंने इस जोन को रखा हुआ है, बिकॉज ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, लैंड बहुत ज्यादा है, सो दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ I tell you troubles and problems for the country. Whereas in comparison, आप देखो कि खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की वो चीजें नहीं है जो कि हम बलूचिस्तान में देखते। तो गाइज़, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है एक खबर कि बलूचिस्तान में एक 5-star होटल में अटैक हुआ है और उसी होटल में इत्तेफाक से चाइना का राजदूत था। तो आप समझ सकते हो मामला कितना सीरियस है। बलूच क्रांतिकारियों के मतलब मेन निशाने पर चाइनीज़ क्यों हैं? आपको बता दूं कि जो CPEC का मेन मतलब रूट था वो बलूचिस्तान से गुजर रहा था, और गवादर आपको पता है जो है, गवादर एक सी के करीब की सिटी है, ये है बलूचिस्तान में। तो हो सकता है बलूच क्रांतिकारियों का चाइनीज़ को निशाना बनाने की यही वजह हो। लेकिन आपको बता दें, इस मामले पर मैं एक अलग एंगल से बात करना चाहूँगा। मेजर गौरव आर्य के अगर आप पिछले एक दो दिन के वीडियो देखते हैं तो उसमें उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में जो इस समय सिचुएशन है, आपको पता है कि पाकिस्तान में फ्रांस को लेकर एक मामला फंसा हुआ है, पाकिस्तान में क्या हालात हैं, पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पार्टी ने जो प्रदर्शन करा है उसके सामने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लगभग सरेंडर कर दिया है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही, इसलिए उन्होंने उसके मतलब जो समझौते थे उसको मान लिया है और बोला है कि हम जो फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए एक
पार्लियामेंट में बिल लाएंगे, वोटिंग होगी तो उससे फ्रांस के सफीर को हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से मामला अभी कुछ दिनों के लिए सुलझा है, लेकिन अभी भी लाहौर में तहरीक लब्बैक पार्टी के जो वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वो अभी भी धरना प्रदर्शन में है। सारे पाकिस्तान में तो कुछ हद तक राहत दे दी है, तो अभी मामला मतलब फंसा हुआ है। तो उस मामले को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कुछ होगा, ब्लास्ट किया जाएगा, उसके आरोप इंडिया पर लगा दिए जाएंगे और ऐसा कुछ मतलब मामला डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ मेजर गौरावारे ने कुछ दिनों पहले ही बोला था, मतलब एक दो दिन पहले की बात है, और कल पाकिस्तान में हो गया एक ब्लास्ट। मतलब आप समझ सकते हो, एक जो एनालिस्ट होना चाहिए, जिसको दूरदर्शी होना चाहिए, उस तरीके की प्रेडिक्शन थी मेजर गौरव आर्य की, और उन्होंने जो कहा वो हुआ। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि ऐसा कुछ पाकिस्तान करेगा जिससे डाइवर्ट हो जाए मामला, जो उनके इंटरनल मामले चल रहे हैं उससे मामले डाइवर्ट हो जाए और ऐसा कुछ होगा, और ऐसा कुछ हुआ। हालांकि ये हो सकता है कि उन्होंने हवा में तीर मारा हो, क्या हो, या फिर बलूच, उन्होंने डेफिनेटली ये जानबूझकर चाइनीज़ को टारगेट किया हो कि उन्हें चाइनीज़ से, आपको भी पता है कि बलूचिस्तान में सीपैक घुसड़ रहे हैं और डेफिनेटली सबसे ज़्यादा नुकसान तो बलूचियों को ही होना है, उनके ही रिसोर्सेज जाने हैं। तो अब समझ में नहीं आता, हो क्या सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो गाइज़, यहाँ पर आपने अनिका निसार को सुना। अनिका निसार एक पाकिस्तान की एक है एंकर जो काफ़ी बड़बड़ करती है पिछले कुछ सालों से। ये नॉर्मल सिंपल सी एंकर थी, इसको इंडियंस ने पता नहीं यूट्यूब पर वीडियो डाल डाल के इतना ऊपर उठा दिया है कि मतलब आप भी समझ सकते हो। तो है तो कुछ नहीं, ये एक सांस में पूरा मतलब एक पैराग्राफ ख़त्म कर देती है, इसी तरीके की एंकर है, ज़्यादा कुछ नॉलेज तो है नहीं। तो गाइज़ ये बात कर रही है कि इसने सीधा सीधा ये कनेक्शन पता नहीं कैसा कुछ करके इंडिया पर डाल दिया आरोप, इसकी ये पुरानी आदत है। तो इंडिया पर आरोप लगा दिए हैं कि जो कल मतलब जो बलूचिस्तान में ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे इंडिया है। तो ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। तो आपने मेजर गौरव आर्य का जो वीडियो देखा होगा उसके मुताबिक ये पुरानी आदत है। गाइस, तो ये वीडियो करता हूँ खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जो आप अपने सुझाव मुझे ज़रूर दें जो मैं अपने वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।